दिल्ली के पालिका बाजार के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कई लोग ऐसे भी होंगे जो इस बाजार में शॉपिंग भी किए होंगे। पालिका बाजार अंडरग्राउंड है, यानी जमीन के अंदर। खैर, यह तो एक बाजार है, लेकिन आपको यह जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि इस धरती पर एक ऐसा भी गांव है जहां सभी लोग जमीन के अंदर ही रहते हैं। जी हाँ, इसे मॉडर्न पाताल के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि हम जिस अनोखे गांव की बात कर रहे हैं उसका नाम कुबर पेड़ी है। जी हाँ, और ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के सभी लोग जमीन के अंदर बने घरों में रहते हैं। जमीन के अंदर बने यह घर बाहर से देखने में तो काफ़ी साधारण दिखते हैं, लेकिन अंदर में सुख सुविधा की सारी चीज़ें मौजूद हैं। दरअसल कुबर पेड़ी इलाके में ओपल की कई खदानें हैं। बता दें कि ओपल की खाली पड़े खदानों में ही लोगों ने अपना आश्रय बना रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओपल क्या होता है। ओपल एक दूधिया रंग का कीमती पत्थर होता है। कुबर पेड़ी को दुनिया की ओपल राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि इस इलाके में दुनिया की सबसे अधिक ओपल की खदानें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुबर पेड़ी में माइनिंग का काम साल 1915 में शुरू हुआ था। दरअसल यह एक रेगिस्तानी इलाका है, इस वजह से यहाँ गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा और सर्दियों में बहुत कम हो जाता है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए लोगों ने माइनिंग के बाद खाली बची खदानों में रहने के लिए अपने घर बनाए। बता दें कि कुबर पेड़ी के इन अंडरग्राउंड घरों में गर्मियों में ना एसी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही सर्दियों में हीटर की। आज के समय में यहाँ कुल 1500 से ज़्यादा घर हैं जो ज़मीन के अंदर हैं और लोग यहीं पर रहते हैं। जमीन के नीचे बने इन घरों में तरह तरह की सुख सुविधाएं हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, चर्च, स्कूल आदि। आपको बता दें कि इस इलाके में कई हॉलीवुड की फिल्में भी शूटिंग हो चुकी हैं। साल 2000 में आई फिल्म पिच ब्लैक की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन ने फिल्म में इस्तेमाल किया गया स्पेसशिप यहीं छोड़ दिया था, जो अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। कुबर पेड़ी में लोग घूमने आते रहते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपको अन्य किसी रोमांचक एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।